अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एस्पायरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएस का एमपीटी का 2023 का पेपर, जो कि आज 2 अक्टूबर को 2022 को हुआ है। इसका पहले पार्ट हमने कर लिया था, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नंबर 21 पे है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन ये था 21 पे, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो इसमें एक है फिश, एक है टर्टॉयज, एक है फ्रॉग और एक है नन ऑफ दीज। तो मेरे ख्याल में इसमें फिश ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि टर्टॉयज और फ्रॉग पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं, लेकिन फिश ज़मीन पे नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। नंबर 22 पे है फाइंड द ऑड वन आउट, गूगल, क्रोम और फायरफॉक्स। तो इसमें ऑप्शन ए है गूगल, क्योंकि ये दोनों क्रोम और फायरफॉक्स ये है वेब ब्राउज़र, लेकिन गूगल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, वो सर्च इंजन है। 23 पे है ब्लड डज नॉट क्लॉट इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू हेमोग्लोबिन। नंबर 24 पे है हु आर दी साहबैन, तो ये हज़रत अबू यूसुफ और हज़रत इमाम शेबानी रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 25 पे है व्हाट वर दी नंबर ऑफ क्लॉजेज ऑफ चार्टर ऑफ मदीना, 27 है। उसके बाद है हु इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक कैलेंडर, तो ये थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। नंबर 27 पे आते हैं सोशल बॉयकॉट कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर्स, तो ये था भाई 3 ईयर्स। 28 पे है व्हाट वाज दी रिलेशन ऑफ हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, तो ये आपस में कज़न थे। नंबर 29 पे है द बिगेस्ट हिपोक्रेट वाज इन मदीना, और ये थे हिपोक्रेट वाला एमसीक्यूज आया था कि हिपोक्रेट कौन थे, तो वो थे अब्दुल्ला बिन उबई। उसके बाद है हु वाज द थर्ड कंपेनियन अलोंग विद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये एमसीक्यूज आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर ऑथेंटिक मुझे वो प्रॉपर चीज़ नहीं मिली कि मैं 100% श्योर हो कि फिर मैं उनका उसको आपके साथ शेयर करूँ। 31 पे है ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम वॉज, ये था भाई अफगानिस्तान में, और 2001 में था ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। ये अफगान पीस प्रोसेस एक पूरा एक टॉपिक है, उससे ये उन्होंने उठाया। 32 पे इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर, अब ये बैरोमीटर भी है और प्रेशर गेज भी उसको कहते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पे जो ऑप्शंस थी, मुझसे ऑप्शन भूली हुई है, जिनको ऑप्शंस याद हो काइंडली बताइएगा। नंबर 33 पे है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वुमेन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। नंबर 34 पे है द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज ट्रोपोस्फेयर। 35 पे आते हैं वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज इन फ़ारेनहाइट स्केल। अच्छा, तो ये है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो ये है कि अगर आप जो है ना मतलब फ़ारेनहाइट में निकालना चाहते हैं तो सेल्सियस में एक्स मतलब जो सेल्सियस में है वो यहाँ पे आपने पुट करना है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट में प्लस 32। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास उसका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। 36 पे है विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो ये है माइक्रोफोन, इसके साथ लाउड स्पीकर और एक और ऑप्शन थी साथ में नन ऑफ दीज, तो ये माइक्रोफोन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 37 पे है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेस, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे इसका प्रॉपर मुझे कोई एमसीक्यूज नहीं मिला कि उस पर मैं श्योर हो जाऊँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। 38 पे है द ऑफिशियल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 39 पे है द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, वो द्रौपदी मुर्मू, बड़ा अजीब सा नाम है, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। 40 पे है द बॉडी विच कॉपरेट्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोवेंसेस, तो वो है द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। 41 पे है 18 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर फेडरलिज्म, इसमें और ऑप्शन नहीं थी वैसे, 18 अमेंडमेंट मेरे ख्याल में वो
58(2)(b) वाली जो आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर लेता है, मेरे ख्याल में वो ख़त्म कर दी थी। नंबर 42 पे है, हदीस विच इज़ फाउंडेड इन बोथ सही बुखारी एंड सही मुस्लिम, तो उसको कहते हैं एग्रीड अपॉन या मुत्तफिक इलैह। नंबर 43 पे है, उम्मुल मोमिनीन हु न्यू रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्यूरेंट इज़ क्या, ये क्या चीज़ है, ये फ्रूट है। उसके बाद है JCPOA स्टैंड्स फॉर, तो यह है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये ईरान न्यूक्लियर डील थी जो कि 14 जुलाई 2015 को ही थी, ये उसकी एब्रिवेशन है। NPT स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी है। गैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड। उसके बाद है FOIP स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, या फिर फ्री एंड ओपन इंडो प्रेजेंस। मुझे ऑप्शंस नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन सी ऑप्शंस है। अगर ऑप्शन पहली वाली है तो ये वाला आपने, नहीं तो ये वाली है, डिपेंड करता है ऑप्शंस पे। अगर आप लोगों में से किसी को ऑप्शन याद हो काइंडली आप लोग कमेंट में बताइएगा। 49 पे है 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट फाटा मर्जर से रिलेटेड थी, लेकिन वहाँ पे फाटा मर्जर का नहीं लिखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे नन ऑफ दीज करना था। 50th पे है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कितनी है, 207 मिलियन। उसके बाद है, इसके बाद है CPAC स्टार्ट्स फ्रॉम काशगर। नंबर 52 पे है, विच कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ SCO, तो यह है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने एक डिक्लेरेशन की है कि भाई हम परमानेंटली न्यूट्रल रहेंगे। उसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट 2015 रिलेट्स टू क्या, ये एनवायरनमेंट का एक एग्रीमेंट था जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई एग्रीमेंट था। 54 पे है सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज किससे रिलेटेड है, इस तरह का कुछ था, वो है चिल्ड्रन के साथ था। आपने अक्सर वो मूवीज़ में देखा होगा सेंटा क्लॉज आ जाते हैं और बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, स्वीट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद है नंबर 55, न्यू स्टार्ट वॉज साइंड बिटवीन, तो ये है US एंड रशिया। स्टार्ट से क्या बनता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। APS अटैक टुक प्लेस इन दिसंबर 2014। सिनोनिम ऑफ प्रेरोगेटिव, एंटाइटलमेंट, राइट, प्रिविलेज, और सिनोनिम ऑफ डेकेडेंस, डेसिडेंस या डेकेडेंस, डिसिपेशन, करप्शन, डिजेनरेसी। उसके बाद है फोर्ट्यूस, पता नहीं यार इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आए हुए थे, तो इसका है सिली, फूलिश, स्टूपिड, चाइल्डिश। सर्टोरियल का सिनोनिम क्या है, एलिगेंट एंड फ्लैशी। तो भाई ये थे हमारे MCQs जो कि इधर उधर से हमें मिले हैं, सोशल मीडिया से और दोस्तों ने शेयर किए हैं। तो ये MCQs थे, और जिनको याद आते हो काइंडली आप शेयर कीजिएगा, और दो MCQ जो हमने नहीं किए जो उनको आप लाजमी बताइएगा, जिन जिनको पता हो उनके आंसर्स। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, अल्लाह हाफिज़।